ये इडली स्टैंड कवर का part 2 है। तो इस पिछले वाले वीडियो में स्टैंड का ड्राफ्टिंग और कटिंग देखे थे। तो स्टैंड भी इडली स्टैंड भी दो तरीके का होता है। एक इस तरह का होता है जिसमें ये पाइप रहता है सेंटर में और ये इस तरह से खुलते जाता है। ये एक तरह का स्टैंड हुआ। और दूसरा होता है कि बस इस तरह से प्लेट रहता है और एक प्लेट उसके ऊपर दूसरा प्लेट इस तरह से रखा जाता है। तो अगर इस तरह का रहे बिना स्टैंड वाला, तो फिर इसको सिंपली इस तरह में ही ऐसे करके रखते हुए काम करना है। लेकिन जब इस तरह का स्टैंड वाला रहे तो ये जो कवर है इडली स्टैंड कवर, उसके सेंटर में छेद लगाना होगा ताकि ये इसमें इस तरह से आ पाए। तो इसका तरीका देखेंगे। ये देखिए, दो सेट था यानी 8 रुमाल रेडी किए थे चौकोर साइज का। तो इसको सब चारों ओर से बराबर कर लिए और बराबर से पहले एक फोल्ड किए और फोर, फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लिए। और ये जो इसका कोना आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। तो आप अपना इडली स्टैंड देख के ही ये स्टेप ले, नहीं तो फिर इसको स्किप कर ले। तो जिसका जैसा स्टैंड रहे उस तरह से काम में लेना है। ये देखिए, इतना कोना हम लोग निकाल लिए हैं। और ये देखिए हम लोग का, अब देखिए इसको एक बार रखे प्लेट, ये प्लेट है स्टैंड है, इसमें डाल देंगे ऐसे, फिर ये दूसरा डालेंगे और फिर इसको ऐसे डालेंगे, फिर ये तीसरा डालेंगे। और ये देखिए इस तरह से आ रहा है। तो यही काम करना है। और अगर जिसका स्टैंड वाला नहीं रहेगा तो ये स्टेप स्किप करना है, ये स्टेप नहीं लेना है।